मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शनिवार को नगर आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्य अभियंता नगर निगम, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग एनएच के अधिशासी अभियंता, राजकीय निर्माण निगम के जीएम के साथ निर्माणाधीन गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, वसुंधरा मोड़ से तुर्रा नाले तक आरसीसी नाले का निर्माण, मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन फोर लेन सड़क निर्माण कार्य तथा एकीकृत ट्रैफिक कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने सर्वप्रथम वसुंधरा मोड़ से तुर्रा नाले तक आरसीसी नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएनडीएस के अभियंता को निर्देश दिया कि कहीं भी जल जमाव ना होने पाए, इसलिए कुसमी जंगल तक कच्चे नाले का निर्माण कार्य 10 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाए। इसके उपरांत मंडलायुक्त ने एकीकृत ट्रैफिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कंट्रोल रूम से महानगर के 9 चौराहों पर लगाए गए कैमरे के माध्यम से आवागमन की स्थिति से अवगत हुए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि चौराहे पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल को आरंभ किया जाए। मंडलायुक्त ने मोहद्दीपुर जंक्शन कौड़िया फोर लेन सड़क एवं नाला निर्माण कार्य का धर्मशाला एवं गोरखनाथ क्षेत्र में सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए वहाँ उपस्थित एनएच के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 टीमें लगाकर 24 घंटे राउंड द क्लॉक कार्य कराया जाए, क्योंकि मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया पर ट्रैफिक अधिक रहती है, इसलिए इस कार्य को तेजी से पूर्ण कराएं। मंडलायुक्त ने गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कॉन्ट्रैक्टर को सचेत किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद मंडलायुक्त ने क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए पाया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला के बी एवं सी ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो चुका है। मंडलायुक्त ने वहां उपस्थित उपनिदेशक विधि विज्ञान को निर्देशित किया कि वे बी एवं सी ब्लॉक को क्रियाशील करने के लिए जो भी आवश्यक मानवीय संसाधन उपकरण की आवश्यकता है उसकी सूची बनाकर सोमवार तक उन्हें उपलब्ध कराएं, जिससे बी एवं सी ब्लॉक को तत्काल आरंभ किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, इसमें ये सब ये पीछे यूनिवर्सिटी का ये तो यूनिवर्सिटी की जमीन होगी। हाँ बताइए, ग्राउंड फ्लोर पे जो है सब कहते हैं कि लाइब्रेरी है और प्लस जो है डायरेक्टर उनके एसोसिएट उनके दफ्तर है। फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है कहते हैं उनके दफ्तर है, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल इनके हर फ्लोर पर। और ये किस विभाग का है? ये है और थर्ड फ्लोर पे जो है तब कैंटीन है। बेसिकली इसमें क्या क्या है? फिर ऊपर में जा करके ऑफिस के सेटअप है, फिर हर फ्लोर पे G+3 है सर। अच्छा सर, और साथ ही स्कॉलर्स को रुकने के लिए सर डॉर्मेट्री, के लिए रूम्स बने। वो कितने रूम है? 10। यूनिवर्सिटी को संचालन करना है जी सर, हमको सिर्फ बना करके देना है संचालन इसका। यूनिवर्सिटी अभी पैसा संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग से। अब इसका कितना पैसा आ गया? भौतिक प्रगति कितनी हो गई? 19% क्यों इतना स्लो है सर? चल रहा है इसमें अभी, ये सब 25 अक्टूबर 2020 को जो ये लैंड खाली होके मिली हमने भैया अक्टूबर से जुलाई आ। हाँ थोड़ा सा जो है कहते हैं जरूर वो हुआ करते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी का कॉमर्स ब्लॉक का सर ओल्ड बिल्डिंग कितनी डिपॉजिट थी उसमें?
तो हम लोग दिल से काट लेते हैं, रोक लेते हैं। आपने एक पेनल्टी और लगाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिखा दीजिए इतने माइलस्टोन का इतना होना था, और मुझे जरा जो पेनल्टी लगाई है उसका डिटेल। कोरोना का मोटा तो मैं पैसा देता हूँ तारीख को सब पॉजिटिव है। आप जो सर जो है स्ट्रक्चर तो पूरी तरह हो गया और जी और सी ब्लॉक इनका कम्प्लीट, ये क्या है सी, हाँ ये सी है सर, और हाँ ये डी है वहाँ तक जहाँ भी ये लगी है सी, उसके बाद सर वो घर दिन हुआ है ये ब्लॉक इनका कम्प्लीट हो गया है। ये और सी क्यों नहीं शुरू कर कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? अंदर से ही काम चल रहा है, जो कूड़ा उड़ा उठा था वो सब उठ गया आपका अभी थोड़ा सा यही देख रहे हैं। दूसरा सर ये नाले का था प्रॉब्लम, नाला घूम रहा है सर, मुझे सुनाई देगा तो उसमें उन्होंने काम लास्ट ईयर शुरू किया था, लेकिन अभी जो है वो केवल एक ट्रेनिंग कर पाए हैं और वेरी डर, और आज के सब देख सकते हैं कि पानी वर्क शो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फिनिश होना। एक बार ये आने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि इधर के करीब 20-25 दर्जनों का यहीं आए सर, ए बी सी का तो सिर्फ एक ही लखनऊ है आपके पास? नहीं सर, गाजियाबाद कन्नौज और जो है अभी इसी के साथ सर प्रयागराज भी एक श्रेणी में हो गया। नहीं अभी क्रियाशील कौन थे? क्रियाशील गाजियाबाद और लखनऊ और आगरा, ये तीन क्रियाशील थी सर। तो इसमें बहुत सारे जिले हैं जिसमें उनको फ्यूचर में ध्यान रखते हुए इसको बड़ा वो आप देख लें आगे का बड़ा है इसकी फिट बढ़ाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप देखेंगे तो मुझे आपको हमारे पीएम साहब बताएंगे जो है नहीं देखा हुआ है इसी ये जीरो आज की डेट में इस बिल्डिंग में एक ये सुन इसी बिल्डिंग तो वो आप लगाएंगे वो इनके प्रोजेक्ट हमारे में नहीं इनके प्रोजेक्ट में था सर लास्ट मीटिंग में काट दिया गया। अब हम ही रिक्वेजेशन देंगे सर कि ये आपने दे दी कि नहीं दे दी? अभी नहीं दी सर, अभी स्टार्ट हुआ देंगे सर। अरे भाई जब आप बैठेंगे तभी गर्मी लगेगी तभी नहीं होगा आप क्योंकि मेरे थ्रू नहीं जाते हैं मुझे बताते नहीं, एक ही बार मिला हूँ सर मास्टर लास्ट बार क्यों नहीं मिलते? मैं आपसे कह रहा हूँ आप ऐसा करिए, तो मैं हूँ सर, अब मैं आपको हफ्ता 15 दिन में मिलूंगा सर। हाँ बिल्कुल मिलिए सर, हाँ कितना ठीक है सर, मैं मंडे मेरी से आपकी ठीक चल रही है, थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट में जैसा कि देखा गया सुबह से हम लोग देख रहे हैं कोविड की वजह से कुछ समस्याएं आ गई हैं, कुछ रुकाव हो गया है और उसी को बहुत स्पीडली करने को कहा गया है। आशा करते हैं जितने भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखे हैं उसमें सितंबर अक्टूबर तक ये पूर्ण कर लिए जाएंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट जैसे मोहद्दीपुर जंगल पकौड़िया का रास्ता है, महेंद्र वैद्यनाथ सोध पीठ है, FSL जो ये हमारी विधि विज्ञान प्रयोगशाला है इसका BOC ऑलरेडी क्रियाशील हो चुका है, इसके लिए कुछ मानवीय संसाधन की आवश्यकता है, और ए को भी 15 सितंबर तक ये कम्प्लीट कर देंगे, जिससे कि ये यहाँ पर FSL चलेगी जिससे कि हमें क्राइम कंट्रोल में जो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम समय से अक्टूबर के अंदर सबको पूर्ण करके और जनता को ये दे सके और उनकी सुविधाएं दी जा सके। नालों का निर्माण अभी नालों का नालों का देखिए आज नाले भी हम लोग ने जैसे कि वो तुर्रा नाला से कनेक्टिंग नाला जो 6 किलोमीटर CNDS बना रहा है उसको भी देखा गया है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति हो जाती है और उसमें देखा गया है कि कुछ जगह इंक्रोचमेंट है, कुछ जगह लोगों ने दुकानदारों ने अपना प्लास्टिक का पदार्थ डाल दिया, नगर आयुक्त साहब भी साथ में थे, तो
तो अभी बरसात सीजन के लिए अगले कम से कम एक डेढ़ महीने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि इसको जो बन गई है ड्रेन, इसको क्लीन किया जाए, कंटिन्यूसली लगातार उसको साफ़ किया जाए, और जहाँ पर नहीं बनी है वहाँ पर कच्चा 10 दिन में खोद दिया जाए, जिससे कि कम से कम पानी निकल जाए, और जो भी काम रह गया है सितंबर के बाद उसे कंप्लीट किया जाए।